नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में देर रात एडीसीबी की क्राइम टीम की बाइक सवार 9 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बता दें, दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस ने घेराबंदी कर 9 बदमाशों को पकड़ लिया है। बता दें, बदमाशों के पास से 3 बाइक और 4 तमंचे बरामद कर लिए गए हैं। एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह के मुताबिक ये जो बदमाश पकड़े गए हैं वो 3 महीने पहले गाजीपुर थाना क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम दे चुके हैं। गाजीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 2 बजे मुंशी पुलिया से पॉलिटेक्निक की ओर जा रहे 3 बाइक पर सवार 9 संदिग्ध लोगों को गाजीपुर पुलिस और एडीसीपी नॉर्थ की क्राइम टीम ने रोकने का प्रयास किया। इस पर बाइक सवार लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली गाजीपुर इंस्पेक्टर की जीप पर लगी है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर सभी 9 लोगों को दबोच लिया। आरोपियों के पास से 4 तमंचे, कारतूस और 3 बाइक बरामद हुई है। मुठभेड़ की सूचना पर एडीसीपी प्राची सिंह और सीओ गाजीपुर मौके पर पहुंच गए। एडीसीपी प्राची सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को अस्पताल ले जाया गया है। किसी के भी गोली लगने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि इन्हीं बदमाशों ने 3 महीने पहले गाजीपुर थाना क्षेत्र के संजय गांधी पुरम में कुरियर कंपनी के दफ्तर में डकैती डाली थी। लगभग हम लोग को अपने मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि मुंशी पुलिया के पास 3 बाइक में 3-3 सवार हैं, जो कि आपस में बातचीत कर रहे हैं और जिनका हुलिया उन लोगों से मिलता है जिन्होंने 1 मार्च के दिन गाजीपुर की डकैती को अंजाम दिया था। और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। इस सूचना के मिलते ही जैसे हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई, क्राइम ब्रांच की टीम और गाजीपुर की टीम को पॉलिटेक्निक के लिए रवाना किया गया, क्योंकि वो लोग सर्विस रोड की तरफ से आ रहे थे। तो क्योंकि सर्विस रोड पॉलिटेक्निक में आके खुलती है, तो वहीं पे हम लोग ने अपना बैरियर लगा के चेकिंग अभियान शुरू करवाया। और इन लोगों को मौके से जब पकड़ने की कोशिश की गई तो इन्होंने अपनी तरफ से फायरिंग स्टार्ट कर दी। ये सब बाइक में थे, हमारी जो टीम थी वो गाड़ी में थी। इन्होंने जब फायरिंग स्टार्ट की तो जान से मारने की नियत से जो फायरिंग इन्होंने की, तो उसके बदले में हमारी तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई। लेकिन किसी को अभी तक कुछ पुख्ता नहीं है कि किसी को लगी है या नहीं लगी है। अभी सबको भेज दिया गया है यहाँ से, अभी चेक किया जा रहा है। हमारी गाड़ी में गोली लगी है, जो SHO की गाड़ी थी जो पीछे से दौड़ा रही थी, उनको एक गोली लगी है गाड़ी में। और बाकी अभी और जानकारी की जाएगी कि और कौन कौन सी घटनाओं में इनकी संलिप्तता। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।